अरविंद केजरीवाल ने किसे बताया दिल्ली वालों का हीरो, बोले उनके लिए दुखी हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आप नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली वासियों के लिए हीरो बताया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह बयान दिया। जैन सोमवार शाम को तिहाड़ जेल लौट गए। केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह सभी दिल्ली वालों के लिए हीरो हैं। उन्होंने 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली, अच्छे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि उनके और उनके परिवार के लिए बेहद दुखी हूं। भगवान उन्हें आशीर्वाद दे। बता दें कि जैन ने केजरीवाल सरकार में बिजली और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम किया था। उन्होंने पिछले साल फरवरी में दिल्ली कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया था। ईडी ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था। वहीं जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के सामने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताया। ईडी ने इस मामले में रविवार को पहला समन भेजा था। ईडी अब तक नई आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है। आपने कहा कि केजरीवाल कोर्ट से जमानत पर है, तो बार बार ईडी समन क्यों भेज रही है? पार्टी ने कहा कि भाजपा ईडी के पीछे छुप कर चुनाव लड़ना चाहती है। वह चुनाव से पहले सीएम को गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी का भले ही शिकंजा कसता जा रहा है, मगर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को पहली बार समन भेजकर तलब किया गया था, जिस पर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। वहीं आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में उन्हें 21 मार्च को तलब किया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल 21 को भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। एक ताजा घटनाक्रम में उन्हें दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत अपना बयान देने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित कार्यालय में बुलाया था। ईडी ने दावा किया कि डीजेबी द्वारा अनुबंध में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन को कथित तौर पर दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी आप को चुनावी फंड के रूप में भेजा गया था। फरवरी में ईडी ने इस जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक, आप के एक राज्यसभा सदस्य, एक पूर्व डीजेबी सदस्य, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के आवासों पर छापेमारी की थी। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।